की वीडियो में जो है हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आप लोग को 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बतला रहे हैं। ये 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आप सबों के लिए इंपॉर्टेंट है और ये 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए तो वेरी वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले क्या है क्वेश्चन है। ठीक है, तो जितने भी 12th के विद्यार्थी हैं उन सारे विद्यार्थियों से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है बाबू, इन 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर जो है ना आप लोग कंप्लीट कर लेना। तो खास करके जो बिहार बोर्ड से हैं उन विद्यार्थियों से मेरा रिक्वेस्ट है बाबू, इन 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर जो है आप क्या कर लोगे, कंप्लीट कर लोगे। पहला क्वेश्चन आपका है, देख लीजिए आपके सामने लिखा हुआ है, ओलियम का सूत्र है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आप लोग को क्या कर रहे हैं इस वीडियो में 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बतला रहे हैं, ओलियम का सूत्र है। और ये क्वेश्चन जो है आपका बिहार बोर्ड 2020 में जो है आया हुआ है। ऑप्शन जो है आपका चार दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है आपका H2S2O7, फिर दूसरा है H2SO4, तीसरा आपका दिया हुआ है H2SO3, चौथा आपका दिया हुआ है H2SO5। चार ऑप्शन आपका इस प्रकार से दिया हुआ है। आप सबको मालूम होना चाहिए कि ओलियम का सूत्र जो है वो आपका क्या है, H2S2O7। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है 2020 बिहार बोर्ड में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आपका है, टीन का संकेत है, टीन का संकेत क्या है। चार ऑप्शन आपका दिया हुआ है, SN है, TN है, TI है, FE है। ये क्वेश्चन जो है आपका बिहार बोर्ड 2019 में आया हुआ है। तो टीन का संकेत जो है वो आपका कौन है, SN है। क्या है SN, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, SN। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है, यानी हीलियम का आपको क्या बतलाना है, मुख्य स्रोत बतलाना है हीलियम का। ठीक है, तो चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, हवा, रेडियम, मोनाजाइट, जल, ये चारों ऑप्शन में एक आपका राइट है। और ये क्वेश्चन 2013-2017 में आपका आया हुआ है, तो आप सबको मालूम होना चाहिए कि हीलियम का मुख्य स्रोत जो है वो आपका क्या है, मोनाजाइट। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, H2SO4 है। ये क्वेश्चन जो है 2015 बिहार बोर्ड में आया हुआ है। ऑप्शन जो है चार आपका दिया हुआ है, अम्ल, भस्म, क्षार, लवण। तो आपको मालूम होना चाहिए कि H2SO4 जो है ये आपका क्या है, अम्ल है, यानी एसिड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे प्रबल अम्ल है। ये क्वेश्चन 2021 ठीक है बिहार बोर्ड में आया हुआ है। तो आप सबको मालूम होना चाहिए सबसे प्रबल अम्ल जो है वो आपका HClO4 है, HClO4 ये आपका सबसे प्रबल अम्ल है, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड 2021-2022 में आया हुआ है। चार ऑप्शन है, फैन उत्प्लावन विधि द्वारा, विद्युत विच्छेदन विधि द्वारा, भर्जन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो आप सबको मालूम होना चाहिए इनका राइट आंसर हो जाएगा, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण जो है फैन उत्प्लावन विधि द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं, आज की वीडियो में आप लोग को 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इनऑर्गेनिक से बतला रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है आप सबों के लिए इंपॉर्टेंट है, खास करके बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का वीडियो तो वेरी वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है, गलेना किसका अयस्क है। आप सबको मालूम होना चाहिए गलेना जो है किसका अयस्क है। ये भी क्वेश्चन जो है 2021 में आया हुआ है, तो आप सबको मालूम होना चाहिए कि गलेना जो है ये पीबी यानी पलम्बम का अयस्क है। ठीक है, जिसको लेड बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने दिया हुआ है, निम्न में कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है। ये क्वेश्चन 2017-2012-2010 में आया हुआ है। तो आप सबको मालूम होना चाहिए कि आपका जो है मैग्नीशियम जो है वो आपका प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है। मैग्नीशियम आपका है, Fe है, क्रोमियम है, Zn है, लेकिन आपका Mg जो है प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, बिस्मत की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है, यानी बिस्मत की जो है सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था, इन चारों में से इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2018 बिहार बोर्ड में आया हुआ, तो आप सबको मालूम होना चाहिए बिस्मत की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था +3 है। क्या है, +3। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 आज आप लोग को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बतला रहा है, वो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बतला रहा है। चलिए यहां पे आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया हुआ है, इनमें जो है Ni की ऑक्सीकरण संख्या आपको बतलाना है। आप लोग को मालूम होना चाहिए कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला जाता है, लेकिन आप याद रखोगे इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में Ni की ऑक्सीकरण संख्या कितना होती है, 0। ठीक है, 0 है। ठीक है, याद रखोगे, ये क्वेश्चन 2020-2019 में आया हुआ है। आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। जो बाबू चैनल पे नए हो उन बाबू से रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आज के क्लास यहीं से समाप्त करते हैं, धन्यवाद।